नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आपका पुनः स्वागत करता हूँ कुलदीप जैन ऑफिशियल पर। आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख दर्रे को पढ़ेंगे, जिसमें हम लगभग 15 से 20 ऐसे प्रमुख दर्रे हैं जो भारत में इम्पोर्टेंट हैं और हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये दर्रे होने वाले हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दर्रे से संबंधित एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो वीडियो में अंत तक बनी रहिए। आइए देखते हैं काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह लद्दाख क्षेत्र में आता है। कौन सा? काराकोरम दर्रा। यह आपसे अगर पूछ ले कि काराकोरम दर्रा किस राज्य में या किस यूटी में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। जो जिला दर्रा की बात करें तो जो जिला दर्रा भी कहाँ पर मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर में ही मिलेगा। और जो जिला दर्रे से सिंधु नदी द्वारा, किस नदी द्वारा इसका निर्माण होता है? सिंधु नदी द्वारा जोजीला दर्रे का निर्माण होता है और ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछ ले कि पीर पंजाल जो दर्रा है वह कहाँ पर स्थित है, तो ये दर्रा भी आपका जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। कौन सा? पीर पनिहार दर्रा। फिर आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला है बुर्जिला दर्रा। और बुर्जिला दर्रा कहाँ पर है? बुर्जिला दर्रा की बात करें तो यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस तरीके से हमने 5 दर्रे पढ़े। कौन कौन से दर्रे? एक तो बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, और काराकोरम दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस तरीके से काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिला दर्रा ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकला, सिपकला दर्रा इस नदी यहाँ पे कौन सा? यहाँ पर सतलुज नदी के द्वारा सिपकला दर्रे का निर्माण होता है और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में सिपकला दर्रा मौजूद है। रोहतांग दर्रे की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है और रोहतांग दर्रे के पास में एक सुरंग आपको देखने को मिलेगी, रोहतांग सुरंग, और इस सुरंग का नाम है अटल सुरंग, इसका नाम कर दिया गया है रोहतांग सुरंग का नाम। फिर आता है बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा की बात करें तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से 3 हो गए, सिपकला, रोहतांग और बाड़ा लाचा, ये 3 दर्रे कहाँ पर मिलेंगे आपको? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रा है। ये काला पानी विवाद आपने सुना होगा, काला पानी जो नेपाल से काला पानी विवाद है वह लिपू लेक दर्रे के निकट है, तो लिपू लेक दर्रा पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में यह स्थित है। माना दर्रा, माना दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नीति पास या नीति दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये भी उत्तराखंड में। लिपू लेक, माना पास और नीति पास ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रे की बात करें तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? सिक्किम में देखने को मिलेगा। जयलिप्ला दर्रा, जयलिप्ला दर्रा कहाँ पर है, ये भी आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। नाथुला और जयलिप्ला ये दोनों दर्रे कहाँ पर है? सिक्किम में। बोमडिला दर्रा और यांग याप दर्रा यहाँ से क्या होता है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह यांग याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा ये भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दीपू दर्रे की बात करें तो ये भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो बोमडिला, यांग याप और दीपू दर्रे ये 3 दर्रे कहाँ पर हैं आपको? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है तुजू पास ये कहाँ पर है? मणिपुर में। तुजू पास कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? मणिपुर में। अब ये प्रायद्वीपीय भारत में जो दर्रे हैं 3, इनको याद कर सकते हैं। थालघाट दर्रा नासिक से मुंबई के बीच में कौन सा दर्रा पड़ता है? मान लो नासिक से मुंबई के बीच में कौन सा दर्रा पड़ता है? ये थालघाट दर्रा। कौन सा? थालघाट दर्रा। फिर आता है भोरघाट दर्रा। तो मुंबई और पुणे के बीच में कौन सा है? मुंबई और पुणे के बीच में है भोरघाट दर्रा। और पोलघाट दर्रा ये कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच में पोलघाट दर्रा, तो ये इसको भी याद रख सकते हैं। थालघाट दर्रा नासिक से मुंबई के बीच में, भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे के बीच में, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच में पोलघाट दर्रा, इसको आप याद कर सकते हैं। इस तरीके से लगभग हमने
15 से 20 जो दर्रे हैं उनको डिस्कस किया है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे आगामी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।